बच्चों कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी? चैप्टर चल रहा था बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि बीएससी सेकंड ईयर में है, और हमने उसमें जो ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया था। सारे एलिमेंट्स को हमने याद कर लिया था और सबकी कन्फिग्रेशन हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या हैं बच्चों? जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं आज हमें वो पढ़नी है, किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब आप सबको ये पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? मेटैलिक होते हैं। क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और मेटल किस नेचर के होते हैं बच्चों? एक तो वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड रहेंगे, क्योंकि ये मेटल्स हैं। जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी थी वही ट्रांजिशन एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। बात समझ गए? जैसे कि ये कैसे होंगे? डक्टाइल होंगे, मतलब कि आप इनकी क्या बना सकते हैं बच्चों? वायर बना सकते हैं। ये मैलिएबल होते हैं, मतलब आप इनकी शीट बना सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सबने देखा है कि जो वायर बनती है वो कॉपर की तो बनती है, मतलब वो डक्टाइल होते हैं, वो मैलिएबल भी होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों? चमकदार होते हैं, मतलब सोनोरस होते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज़ मेटल की होती हैं वो इनकी भी होती हैं। और इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों? हाई मेल्टिंग पॉइंट। और क्या होता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी, और वोलेटाइल नेचर के नहीं होंगे। वोलेटाइल तो वो होता है बहुत जल्दी, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? जिनके क्या बन जाते हैं? वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इनके बारे में और क्या पढ़ने वाले हैं? तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ थी, कैसे दिखाई देते हैं, मतलब अपीयरेंस के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इनके साइज़ के बारे में। किसके बारे में? कि जो इनका एक तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट रहेगी और इनके साइज़ के बारे में। अगर आप देखें बच्चों, आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आप मान लीजिए, मैं आपको कन्फिग्रेशन लिखें, आप स्कैंडियम की, किसकी लिख रहे हैं? स्कैंडियम की लिख रहे हैं। और क्या कन्फिग्रेशन होती है बच्चों? उसकी होती है 3D1 और 4S2, यही होती है। अब आप देखिए कि ये जो कन्फिग्रेशन में जो आपने लिखी है, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो +3 में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। कारण क्या है? अब देखिए, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर दे, मतलब एस वाले से भी लॉस कर दे, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस कर दे? डी वाले से, तो इसकी कन्फिग्रेशन D0 हो जाएगी। मतलब कि क्योंकि D1 में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, D1 में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो इससे अच्छा ये क्या चाहेगा कि जो पहली जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन रहेगी वही अचीव कर ले। तो ये इस डी को भी, इस एक इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर देता है। बात समझ गए? तो इसकी जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, वो कौन सी है? +3 है। समझ गए? अब ये आपको कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी किसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए आपसे कोई MN की पूछे, किसकी बच्चों? MN की। पहले आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे, लिखे एक बारी आप लिखेंगे कि इसमें आएगा 3D5, एटॉमिक नंबर 25 होता है ना, तो आप क्या लिखेंगे भाई? जितना यहाँ है इतना यहाँ पे आएगा, और ये क्या है? 4S2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मान लीजिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? एस में से जाएगा। तो अगर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, तो कन्फिग्रेशन क्या बचती है बच्चों? D5, जो कि एक क्या है? हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है। मतलब कि क्योंकि ऑर्बिटल कितने होते हैं इसमें? 5 होते हैं, तो आप सब में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा स्टेबल है। बच्चों जो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन क्या है? लॉस कर देगा, मतलब स्टेबल रहेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इसको स्टेबल बोलेंगे। पर ये इस उसमें, मतलब इस जो 3D सीरीज है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यही शो करता है। कहाँ तक? 7 तक। तो आपको ध्यान रखना है 2B करता है, 3B, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो यहाँ तक ये करेगा। और जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बच्चों, वो है ओस्मियम। याद रखना है, कौन करता है बच्चों? ओस्मियम याद रखेंगे। और कितनी करता है? +8 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? +8, मतलब आठों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस कर देगा उनका। ठीक है, तो +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि ओस्मियम करता है। ठीक है, फिर कौन है बच्चों? आयरन है। इनकी सबकी आपको देखनी है कि जो टाइटेनियम है वो कितनी करता है? 2 करता है, 3, 4, और ऐसे ही वेनेडियम करता है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 2, 3 और 5 ये करता है, मतलब कि ये सिर्फ 3 करेगा,
ये 2, 3 और 4 करेगा, वेनेडियम 2, 3, 4 और 5 करेगा, फिर क्रोमियम है सीरीज में चल रहा बिल्कुल 2, 3, 4 और 5 और 6 तक चलेगा, ठीक है, ये 7 करेगा। अब आयरन की आपको ध्यान रखनी है कि आयरन जो है वो क्या नहीं करेगा, प्लस 5 नहीं करेगा। अब एक बारी देखेंगे, मान लीजिए आप आयरन को लिखें तो आयरन कितना होगा बच्चों, 3d6 और 4s2, ठीक है। अगर आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Fe क्या बन जाएगा, 2 पॉजिटिव बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा, Fe 3 पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, मतलब क्या कन्फिग्रेशन रह जाएगी, 3d5, मतलब कि ये स्टेबल रहेगा। बात समझ गए ना, क्यों स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन हो गई, मतलब Fe 3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि वो कैसा हो जाता है फिर, हाफ फिल्ड हो जाता है। तो ऐसे आपको ये सब देख के कि कैसी कन्फिग्रेशन बन रही, कुछ हाफ फिल्ड आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको देख के बनाना है। और जिंक की देखिए, वो सिर्फ क्या करता है, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कॉपर कौन सी करता है, 1 भी करता है और 2 भी करता है, 1 भी करेगा और 2 भी करने वाला है। इसकी स्टेबल कौन सी होती है बच्चों, प्लस 2 होती है, ये ध्यान रखिएगा, क्या होती है, प्लस 2 होती है। और निकल 2 भी करेगा, 3 भी करेगा और 4 भी करेगा। तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, और मैक्सिमम कौन करता है वो भी ध्यान रखना है। मैक्सिमम सबसे कौन करेगा बच्चों, ऑस्मियम करेगा। इस वाली सीरीज में कौन करने वाला है, Mn करने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एटॉमिक साइज की, कि जो एटम है उसका साइज कैसे रहने वाला है। अब आप ये जानते हैं कि आप एटम के साइज़ की बात कर रहे हैं, जो ऑल ओवर एटम होगा, क्योंकि एक होता है बच्चों आयनिक साइज और एक क्या होता है, एटॉमिक साइज। तो आप आयन की बात नहीं कर रहे हैं, आप एटम की बात कर रहे हैं, मतलब एटम क्या होगा, Fe, और आयन क्या होगा, Fe। जैसे मैं 2 पॉजिटिव का साइज पूछ लूँ या मैं Fe 3 पॉजिटिव का साइज पूछ लूँ, तो ये होगा आयनिक साइज, और एटम क्या होगा, सिर्फ मैंने Fe की बात की है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज की, कि साइज कैसे कैसे रहने वाला है। तो अगर आप पहली वाली सीरीज लिखते हैं, क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये यहाँ पे साइज ही दिखा रखा है कि एक भाई कोई छोटी चीज़ हो सकती है, उससे बड़ा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनके साइज में क्या ऑर्डर रहने वाला है। रेगुलर ट्रेंड नहीं है डी ब्लॉक में, वो आप सबको पता है, पर आप एक बारी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे होगा साइज में। अब देखिए कि जो स्कैंडियम है बच्चों, ठीक है, स्कैंडियम से आपको, हम बात कर रहे हैं अभी पीरियड में, किस में बात कर रहे हैं बच्चों, पीरियड में बात कर रहे हैं। तब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, किससे, लेफ्ट से राइट की तरफ आप तब मूव करते हैं, तो जनरली आपको क्या देखने को मिलता है कि जो साइज़ है वो क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज होता है। यही पढ़ा है आपने, कैसे पढ़ा था आपने, आप ऐसे बोलते थे कि भाई अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एक ही शेल में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं। आपने यही पढ़ा है कि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, तो जिसकी वजह से जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्या होगा, न्यूक्लियस पे जो चार्ज बढ़ेगा, जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो वो उतना ही ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो साइज़ क्या होगा, कम होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, ऐसा ही होता है। तो इसमें अब आपको क्या देखना है कि जनरल ट्रेंड ये है कि भाई जो साइज़ है वो डिक्रीज होना चाहिए, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब देखिएगा, आपने एक बात सुनी है, क्या बात सुनी है कि बच्चों जो एक शील्डिंग इफेक्ट नाम आपने सुना होगा, क्या नाम सुना है, शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एक तो मैंने अभी न्यूक्लियर चार्ज बताया, जो न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है, एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड आपने देखी होगी कैप्टन अमेरिका की, तो वो क्या बनाती है, एक प्रॉपर कि बाहर से मान लीजिए ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे ये शील्ड बन गई है, एक यहाँ पे शेल है और एक ही अंदर वाली शेल है। मतलब अगर शील्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, कवरिंग आप मान सकते हैं, शील्डिंग बहुत अच्छी है, तो न्यूक्लियस बाहर वाली चीज़ों को नहीं देख पाएगा, न्यूक्लियस जो बाहर वाली शेल है उनको नहीं देख पाएगा। यही शील्डिंग होता है कि आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाएँ बहुत अच्छे से, और जो बाहर जो चीज़ होगी उससे किसी अंदर वाली चीज़ का कनेक्शन ना हो पाए, ठीक है। तो अगर आपको एक तो S बोला जाए, एक P ऑर्बिटल बोला जाए, एक D ऑर्बिटल और एक F ऑर्बिटल, आप सबको पता है कि जो सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट होता है वो किसका होता है, S का, और उससे कम किसका होगा, P का, और फिर किसका बच्चों, D का, और फिर किसका, F का। मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट D का होता है वो बहुत ख़राब होता है,
क्या होता है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट जो होगा डी का वो बहुत ख़राब होता है, वो अच्छा नहीं होता है। तो अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से, आपको दोनों फैक्टर पहले याद रखने हैं कि भाई साइज़ को क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं। एक तो मैंने बताया न्यूक्लियर चार्ज कर सकता है, और एक क्या कर सकता है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट, है ना। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्या है बच्चों, अगर न्यूक्लियर चार्ज मान लीजिए ज़्यादा है, तो साइज़ क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आपके पास स्कैंडियम है और फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, जैसे आप यहाँ तक पहुँचते हैं बच्चों, कहाँ तक, क्रोमियम और मैग्नीज तक, ठीक है। यहाँ तक प्रॉपरली क्या होता है, जो साइज़ है वो अच्छे से डिक्रीज होता है, क्या है, डिक्रीज होता है। फिर क्या है, ये कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट हो जाता है। और कांस्टेंट अगर होता है तो कांस्टेंट होने का कारण भी हमें पता होना चाहिए। अब आपको एक बात और समझनी है कि अगर आपके पास डी ऑर्बिटल एक तो बड़ा होता है, ठीक है, डी क्या है, ऑर्बिटल जो है वो बड़ा होता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए क्या थे, यहाँ पे ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं कम्प्लीटली, पर जैसे ही आप आयरन में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो 6 हो जाते हैं, मतलब D6, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बच्चों रिपल्शन, क्या हो जाती है, रिपल्शन स्टार्ट। और रिपल्शन क्या कोशिश करेगी, दूर भगाने की, किसकी, दूर भगाने की, मतलब एक तो है न्यूक्लियर चार्ज जो कि साइज़ कम करना चाह रहा है, वो खींचना चाह रहा है, और एक कौन सा इफेक्ट है बच्चों, वो है जो रिपल्शन है, जो कि क्या है कि पेयर अप होने के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से साइज़ क्या होना चाह रहा है बच्चों, साइज़ होना चाह रहा है इंक्रीज़। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी और साथ में जो रिपल्शन है वो भी, तो साइज़ यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, लगभग कॉन्स्टेंट रहता है, बात समझ गए। अब फिर यहाँ पे जिंक का एकदम से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है बच्चों, साइज़ बढ़ जाता है। जिंक का पूरी उसमें होना चाहिए था कि इसका साइज़ सबसे कम हो, पर एकदम से इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण क्या है बच्चों, कि जिंक में क्या हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, D10 हो गया है, यहाँ पे 3D10 हो गया है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो गई है, जिसके कारण जो साइज़ है वो क्या हो गया है, इंक्रीज़। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रिपेल करती है तो वो अपने साइज़ को क्या करना चाहेगी, वो बढ़ाना चाहेगी, दूर भागना चाहेगी एक दूसरे से, ठीक है। तो जिंक का जो साइज़ रहेगा बच्चों, वो पहले वालों के कंपैरिजन में एकदम बढ़ जाता है, और हम क्या सोच रहे थे कि वो डिक्रीज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता है। आपको बात समझ में आ गई है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। क्या है ये एटम, आपको सेंटर में जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर चार्ज को दिखा रहा है, और जो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक्चुअल में ये तो क्या होगा बच्चों, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंटेशन है, 3D में आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। और ये मैंने शील्ड की जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे कि इसका क्या काम आएगा। अब मान लीजिए मैं आपको, अभी तो आपने ट्रेंड पढ़ा बच्चों, तब आप पीरियड के अलोंग जाते हैं लेफ्ट टू राइट। अब हम बात करते हैं बच्चों कि आप डाउन द ग्रुप जाएं, अब ग्रुप में जाएं, ठीक है। हमने कल याद किए थे कि एक तो क्या है बच्चों, मान लीजिए ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम के बाद क्या है, हमने क्या ट्रिक बनाई थी, साइंस, ये ला, ठीक है। फिर क्या आता है स्कैंडियम के बाद, टाइटेनियम, ठीक है। TI के लिए हमने क्या लिया था, टी ज़रा हाफ, ठीक है। टाइटेनियम के बाद क्या आता है, वेनेडियम, वो नवाब NB, ठीक है, था, ठीक है, जिसको हम टेंटेलम बोलते हैं। अब इन्हीं से समझते हैं साइज का ट्रेंड, सारी जगह ऐसे ही रहने वाला है। अब आप देखो, आपने डाउन द ग्रुप ये पढ़ा है कि जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो शेल हैं, नंबर ऑफ शेल हैं बच्चों, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से साइज़ बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप स्कैंडियम से मान लीजिए आप टाइटेनियम से जिरकोनियम तक जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, पर जैसे ही आप जिरकोनियम से हाफनियम तक जा रहे हैं तो बच्चों कोई आपको ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। मान लीजिए टाइटेनियम का साइज़ है, मान रहे हैं एग्जांपल के तौर पे कि ये 200 पिकोमीटर है, कितना है, 200 पिकोमीटर। जिरकोनियम का हो गया बच्चों, मान लीजिए ये 300 पिकोमीटर, कितना हो गया, 300 पिकोमीटर। तो हाफनियम का पता है कितना है, ये है 302 पिकोमीटर। तो आप चेंज देखिए कितना आया, और हम सोच रहे थे कि भाई एकदम से मेज़र चेंज आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो पाया, बात समझ में आई।
ऐसा नहीं हुआ, तो कारण क्या है? और मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बताया, अब वो भी समझिए। अगर आप स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथेनम, इसके मतलब ऐसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो यहाँ पे तो साइज इंक्रीज हो रहा है जैसे कि होना चाहिए था, कि मान लीजिए ये 200 है और ये 300 है, तो ये 400 ही हुआ है, पर ये यहाँ क्यों नहीं हुआ ऐसा? अब आपको पता है कि कल हम पढ़ रहे थे, तो आपको पता है लेंथेनम का तो एटॉमिक नंबर 57 है और हाफनियम का है बच्चों 72, तो यहाँ से 14 एलिमेंट गायब हैं, यहाँ से 14 एलिमेंट गायब हैं, मतलब यहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट निकलते हैं। तो यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। देखो यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो इसके बाद आती है, इसके बीच से स्टार्ट होती है, मतलब यहीं से तो बताओगे ना, तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बच्चों क्या होता है, यहाँ पे एक बार मैं लिख देती हूँ एटी ज़रा हा, और यहाँ क्या बच्चों लेंथेनम, तो ये जो एलिमेंट गए हैं, तो अगर जो साइज जो बढ़ना चाहिए था वो डिक्रीज क्यों हुआ है, उसका कारण अभी आपको बता रहे हैं कि जो एफ ऑर्बिटल होता है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना बच्चों वो बहुत ख़राब होता है। ठीक है, जो ये शील्ड होनी चाहिए थी प्रॉपर, कि जो हम बता रहे हैं प्रॉपर ऐसे होना चाहिए था, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करनी चाहिए थी, पर ऐसा ना हो करके उसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऐसे गैप बन रहा है शील्ड में, ऐसे गैप बन रहा है, मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो जिसकी वजह से मान लीजिए यहाँ अब न्यूक्लियस है, ये क्या है सेंटर में, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इस ये एफ ऑर्बिटल आया है और इसमें शील्डिंग इफेक्ट कुछ ऐसी की है, ये बीच में गैप रह गया है, तो ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे तो न्यूक्लियस इनको आराम से खींच लेगा, इनको तो ये साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज अंदर खींचेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो आराम से क्या हो जाएगा बच्चों, साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो खींचते चले जा रहे हैं अंदर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे टीचर बैठे हैं, ठीक है ना, जो न्यूक्लियर चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और शील्ड बहुत अच्छी होती तो जो क्लास के बच्चे आधे भागना चाह रहे थे वो आराम से भाग सकते हैं। पर अगर कई बच्चे क्या हैं, मान लीजिए शील्ड ऐसी नहीं बनी, शील्ड ऐसी बनी है कि बीच में स्पेस है, तो टीचर को बाहर वाले बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो क्लास छोड़ के भाग ही नहीं सकते, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो भी क्या है इस ग्रुप के पास उनको खड़ा होना पड़ेगा, तो साइज जो जो सर्कल बन रहा है बच्चों का वो कम ही रहेगा। ठीक है, तो साइज नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होता है, कारण क्या है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से, जो लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं 14, जिनको लेंथेनोइड बोलते हैं, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बच्चों लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये चीज़ भी आपको क्या है ध्यान रखनी है।